काफी घबराहट है और ये मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। और लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरे गुरु बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार, अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश, देश की जनता माफ़ नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। और ये घबराहट में बोल रहे हैं सीधा, ये देश में चाहते हैं ये अपना शासन लाना, तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान का बदलने का मतलब लोकतंत्र को बदलना, और लोकतंत्र को बदलने का मतलब है कि ये देश में जनतंत्र कायम करना नहीं चाहते, लोकतंत्र को ख़त्म करके और ये तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग को उम्मीद है कि मतलब 2029 में इतना बहुमत आएगा कि संविधान बदल देंगे? कोई उम्मीद नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं लगातार ये बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, हमको बहुमत आ रहा है, बहुमत दीजिए, बहुमत मांग रहे हैं लोगों को। लोग इसको पूर्व के समय में भी याद होगा इनको, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, कि मोहन भागवत ने आरक्षण को समीक्षा करने की बात की थी और देश की जनता ने, दलितों ने इस बात को पूरा, उनके इरादे को नष्टाबूद किया। वही हार इनका होने वाला है। लेकिन बीजेपी के नेता, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं कि हम संविधान बदलने की बात नहीं करते, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि उनके कई नेता जो है ऐसा बयान दिए हैं कि हमें बहुमत दीजिए। नहीं तो ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके नेता सब बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, एक रट लगा कर बोल रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बहुमत मांग रहे हैं, किस बात के लिए बहुमत आपको? अब चलिए, बहुमत का समय गया, देश आपको पहचान लिया है, आपके लोगों को पहचान चुका है, और इसको दोबारा ये गलती लोग करने वाले नहीं हैं आप। और जो लोग इस तरह से कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता, दलित जनता, पिछड़े वर्गों की जनता, जो लोकतंत्र को मानने वाली जनता है, इनका आंख निकाल लेगी ऐसे लोगों को, खबरदार, इस तरह का हिम्मत किया तो। अब 400 की बात कर रहे हैं नीतीश जी, 4000 कह रहे हैं कि 4000 सांसद। नीतीश जी अब फिर माफ़ी भी मांग रहे हैं, माफ़ी भी मांगते हैं नीतीश कुमार, सॉरी सॉरी गलती हो गई।